हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। हमारे जुल्कर्नैन जी हैं जी, जनाब फरमाइए क्या कहेंगे। जी मैं वो थोड़ा, आप अजान पे थोड़ा गुफ्तगु कर रहे थे उस पे थोड़ा पूछना चाहता था। असल में मैं जो है रिवर्ट हूँ, मतलब मैं न्यू मुस्लिम हूँ, तो जाहिर बात है मैं स्टडी कर रहा हूँ ना, तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा अच्छा जी, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सचवाला साहब, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो अपनी जगह पे सही हो के जो है मोहम्मद सल्लम जो है वो, उन्होंने तो इनको मतलब इसका लाउड स्पीकर का तो नहीं कहा था, वो तो सही है आपकी बात, पर हम अगर वक्त देखें तो अब उस वक्त का हिसाब अलग था, आज का वक्त अलग है। और उस दौर में अगर वो अजान बगैर लाउड स्पीकर के देते थे तो वो छतों पे चढ़ जाते होंगे ना, मतलब बुलंदी की जगह पे चढ़ के अजान देते होंगे। हमारे नहीं, हमारी बात जो है छतों पे लाउड स्पीकर की नहीं हो रही, हमने अजान के बारे में वो कहा है, वो रियलिटी बताई है दुनिया को जो कि दुनिया नहीं जानती। अजान जो है ना, तो इसका ताल्लुक अल्लाह से है, ना रसूल से है, ना कुरान से है। ये अल्फाज और ये आइडिया असल में एक कॉमन एक कंपेनियन का था, वहाँ ये बातें हो रही हैं। अब जरा थोड़ा सा इमेजिन करें कि ये इस्लाम किस कदर, कैसे, किस लेवल का मैन मेड है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस्लाम या नमाज के बारे में ये कहा जाता है कि ये मेराज की रात में ये नमाज दी गई प्रॉफिट को, ठीक है जी जी। और पहले 50 नमाजें दी गई, उसके बाद कम होते 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 5 नमाजें रह गई। और ये कहा जाता है कि मक्का के आखिरी जो है पीरियड में, मक्का में 13 साल जो है प्रॉफिट ने गुजारे, तो तकरीबन जो है 10वें या 11वें साल में या 12वीं, यानी मतलब ये मक्का के आखिरी जमाने में ये नमाज दी गई जी। अच्छा, नमाज से पहले अजान होती है या अजान जो है बाद में होती है, पहले नमाज होती है, मुझे ये बताइए। जी, नमाज ये चाहिए कि पहले अजान जो है का मतलब हो जाता, यानी या फिर ये कि जो है मेराज में अजान भी दी जाती, नमाज भी दी जाती, ऐसा नहीं हुआ। यानी आपको एक एक चीज दे दी गई, लेकिन उसको लेके किसमें जाना है, आपके पास वो चीज है ही नहीं, इतना बेढंगा मामला इसके साथ हुआ है। हमने ये कहा कि अजान अपने नमाज के फर्ज हो जाने के तकरीबन 2-2.5 साल के बाद जो है, अब ये इन प्रॉफिट को या दूसरी उनकी कंपेनियन को ये अंदाजा हो रहा है, ये सोच रहे हैं कि जो है नमाज के लिए बुलाएं कैसे। तो वो किसी ने कहा कि जैसे जो मजूसी लोग जो काम करते हैं, जिस तरह से कुछ जो है अपने वो जो कुछ करते हैं हम वैसा करेंगे। तो किसी ने कहा कि नहीं, जो है यहूदी लोग जैसा करते हैं वैसा करेंगे। किसी ने कहा कि जो ईसाई लोग हैं वो जैसा करते हैं वैसा करेंगे, जो मुशरिक होते हैं उनके जैसा करेंगे। तो कोई तो ये इसका मतलब अभी तय नहीं पा रहा कि जो है किस तरह की अजान करनी है, अजान क्या होती है उसको किस तरह से। उसके बाद किसी सहाबी के जो है ख्वाब में ये इस तरह के अल्फाज आए कि जो है ऐसे ऐसे अल्फाज होने चाहिए। तो वो अल्फाज आकर सहाबी जो है प्रॉफिट को बताते हैं कि या रसूलुल्लाह, मुझे ख्वाब में ऐसे ऐसे अल्फाज आए। तो रसूलुल्लाह को खुशी हो जाती, चलो भाई ठीक है, यही अल्फाज जो है हम तय कर लेते हैं। अब आप देखिए कि कितना खोखला मामला है, कितना फुसफुसा और बोधा मामला है। अजान के अल्फाज भी अल्लाह मियां को याद नहीं है, रसूल को पता नहीं है, जिब्रील जो है लेके नहीं आ रहे हैं। यूं तो वो कुरान जो है बार बार पोटली में लेके आ रहे हैं, लेकिन अजान लेके नहीं आया जिब्रील। एक आम सहाबी को, एक आम कंपेनियन को जो है वो उसके आइडिया से अजान जो है तय पाई, समझ आई। यही तो हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं। लाउडस्पीकर की बात तो अब हो रही भाई, लाउडस्पीकर की वैसे कोई, देखें सच्ची बात यह है कि लाउडस्पीकर का ताल्लुक ना तो इस्लाम से है ना मुसलमानों से है। लाउडस्पीकर का ताल्लुक किसी भी आइडिया, किसी भी एंगल से जो है मुसलमानों से है ना इस्लाम से है। ये एक बिल्कुल अभी रिसेंट चीज है, बिल्कुल हालिया चीज है। हम बात कर रहे हैं खुद अजान की, अजान क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, हम ये दुनिया को बता रहे हैं। लाउडस्पीकर इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, अजान के बारे में बता रहे हैं। आपको समझ आई बात जी, जी। पर मैं अगर थोड़ी गुजारिश करूं कि जुल्कर्नैन साहब एक सेकंड मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, इससे पहले कि आप अगला सवाल पूछे, आपने क्या देख करके इस्लाम कबूल किया, किस बात से आप अट्रैक्ट हुए इस्लाम की तरफ? जी वैसे तो मतलब जो मैं हूँ, मतलब उनकी बस सिंसियरिटी थी, और मतलब जो किताबें पढ़ी मैंने, थोड़ा कुरान स्टडी किया,
मेरे दोस्त कुछ अच्छे थे तो मतलब मुझे अट्रैक्शन हो गई। नहीं नहीं सुनिए सुनिए, आपकी अट्रैक्शन मुसलमानों में थी या इस्लाम में थी? जी मतलब उनके अखलाक थे, अब जाहिर बात है सच वाला साहब के अच्छे लोग तो हर जगह पे भी हैं। मुसलमानों के अच्छे दुनिया में, दुनिया में नहीं नहीं सब अच्छे लोग हैं, मतलब उनका मुझे ये कंसेप्ट अच्छा लगा। आपने इस्लाम को क्यों चूज किया, हम ये जानना चाह रहे हैं। सिर्फ एक खुदा के, खुदा पे यकीन रखना, मतलब एक ही खुदा है। अच्छा, उसकी खुदा कौन है वो? एक खुदा कौन है? अच्छा, सच वाले मेरे नजदीक तो यहूदी भी तो एक खुदा पे यकीन रखते हैं ना। सुन लीजिए, यहूदी भी तो एक खुदा पे यकीन कह रहे हैं वो। जी जी, पर वो उनमें उनमें जो है आप देखें कि उनके अंदर जो है, उन्होंने हजरत उजैर को वो बताते हैं, उनको खुदा माना है उन्होंने, खुदा का बेटा। यहूदी तो कभी नहीं कहते, कुरान झूठ कहता है। कोई भी यहूदी नहीं कहता कि जो है वो उजैर को अल्लाह का बेटा कहते, कोई भी नहीं कहता, कोई भी नहीं। ये झूठ, ये इल्जाम, झूठा इल्जाम कुरान उन पर लगा रहा है। कोई भी यहूदी से पूछ लें, वो उजैर को कभी भी अल्लाह का बेटा नहीं कहते, नहीं कहते। अरे ज़ुल्करनैन साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। वहदत, जिसे अल्लाह की वहदत कहा जाए, इस अकीदे में सबसे ज्यादा पक्के तो यहूदी हैं, मुसलमानों से कहीं ज्यादा पक्के हैं। समझ आई आपको? जी जी। मुसलमानों तो जो है फिर भी कहां कहां जाकर, इवन जो है मुसलमान अपने नबी को खुदा से ज्यादा बड़ा कर देते हैं। यहूदी नहीं करते, मूसा को बड़ा नहीं करते, किसी और वली को, किसी और नबी को अहमियत अच्छा, नहीं देते। सच वाला साहब, यहाँ पे एक और सवाल मतलब मेरे जहन में आ रहा है। जैसे आप देखें कि ये जो हैं, इनके जो है यहूदी और ईसाई के जो प्रोफिट्स हैं, तो वो उनको बुरा भला नहीं बोलते। आप इसको जानते होगे ना। उल्टा जो है यहूदी और ईसाई इनके जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते हैं, तो ये आप झूठा मतलब नबी है ना, भी कोई सबूत नहीं है। सुनिए सुनिए, आप जरा सुन लीजिए मेरी बात। जी जी। असल प्रॉब्लम क्या है, देखिए बात की है, आप कादियानी को सच्चा कहते हैं, झूठा कहते हैं? जी बस मुझे ये चीजें अच्छी लगी ना, कि वो मतलब उनके रसूलों को गाली नहीं देते, जबकि ये लोग अगर इनको नीचा दिखाना होता तो ये भी तो गालियां दे सकते थे ना उनको। मतलब थोड़ा एक लॉजिकल चीज है। नहीं मेरे भाई, अरे देखें, एक शख्स जो है अपने आप को, अपनी क्रेडिबिलिटी लेने के लिए वो दूसरों को कह रहा है कि मैं भी उन्हीं में से हूँ, जबकि उनके यहाँ मौजजे हैं, उनके यहाँ बाकायदा सबूत है, उनके यहाँ गवाहियां हैं। इसके पास क्या गवाही है भाई? इसके पास कौन सा सबूत है? कौन सा सबूत है? ये आप मुसलमान जिसे नबी कहते हैं, अपना क्या सबूत है बताइए? नहीं वो तो सबूत तो जैसे उनके पास कुरान है और उनके पास अपनी बुक, इसके पास जी जैसे मुस्लिम्स के पास कुरान है और उनके पास जो है बाइबल। जी आप बोले मुसलमान साहब, आपने खतना करवाई क्या इस्लाम कबूल करने के बाद? खतना जी जी बिल्कुल, मुझे सारे काम हो गए। मैंने करवाया नहीं, सोच रहा हूँ असल पे, मतलब मुझे सवाल है ना, अभी मैंने अभी रिवर्ट हुआ। अच्छा, कितना टाइम हुआ आपको रिवर्ट हुए? तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हुए होंगे। 6 महीने हुआ है। अच्छा, आप भारत से हैं या पाकिस्तान से हैं? जी मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं बेसिकली जो है हम जो है हिंदू थे, पर हमारा मतलब कभी टच नहीं रहा इतना, तो अपना रिलीजन के बारे में मतलब इतना मुझे नॉलेज नहीं रही। पर ज्यादातर हमारा जो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, तो आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है, तो हम स्कूल में होते हैं, तो हमारा ज्यादातर मोहल्ला हो गया, तो इंटरेक्शन सिर्फ मुस्लिम्स से होता है। अच्छा ठीक है, देखिए मेरे भाई, यहाँ मैं आपको ना इधर कर रहा हूँ ना उधर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्टली आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप जब इस बात से राजी होकर आपने इस्लाम कबूल किया, तो मुझे ये बताइए आपने इस्लाम में कौन सी ऐसी सबसे हाई लेवल की जो है कौन सी ऐसी अट्रैक्शन देखी जो कि किसी और में नहीं है? बस सर, वो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि उनमें एक खुदा का जो है कंसेप्ट है, तो वैसे तो हर कोई मानता है कि पैदा करने वाली जात जो है ना एक ही है ना, तो अगर एथियस्ट का अलग मामला हो जाता है तो उनसे तो मैं मतलब हम सिर्फ इस्लाम की बात कर रहे हैं। जी जी। अगर आप एक खुदा की बात करेंगे तो एक खुदा के मामले में यहूदी मुसलमानों से बहुत आगे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि असल ये एक खुदा वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या आपने इसमें कभी गौर किया कि एक खुदा की बात आखिर आई कहाँ से? ये इस्लाम के घड़ने वालों ने ये असल में ये कॉन्सेप्ट भी दिया है यहूदियों से। जी। और अल्लाह जिसे कहा जाता है ये कुरान के अंदर ही है, कुरान के बाहर पूरी दुनिया में किसी भी किताब में नहीं पाया जाता, ना तो अल्लाह का लफ्ज पाया जाता है ना अल्लाह जैसा कोई तसव्वुर पाया जाता है। ये तसव्वुर सिर्फ और सिर्फ कुरान का घड़ा हुआ है।
पूरी दुनिया के मुसलमान अगर मेरे इस सवाल का जवाब दे दें कि अल्लाह को किसी और किताब में साबित करें, अल्लाह के लफ्ज को और अल्लाह के तसव्वुर को, जो तसव्वुर कुरान के लिखने वाले ने अल्लाह के साथ जोड़ा है, जो नाम अल्लाह को दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान के अंदर है। एक बात तो ये हो गई। अब रही दूसरी बात, ये जिसे कुरान कहा जाता है, मुसलमानों ने ये कहा कि ये उनके मुंह बोले नबी मोहम्मद को दी गई। खुद कुरान के मुताबिक कोई एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि यह कुरान मोहम्मद को दी गई जी। या अल किताब मोहम्मद को दी गई। कुरान के मुताबिक मोहम्मद को, लफ्ज मोहम्मद को ना तो कोई अल किताब दी गई, ना अल कुरान दी गई, ना तो कोई वही दी गई, ना आयात बयीनात दिए गए, ना कोई मौजजा दिया गया। जबकि कुरान के मुताबिक मूसा के बारे में कहा गया, एक नहीं दो नहीं नौ जगहों पर उसमें यह कहा गया है कि वलकद आतीना मूसा अल किताब, हमने मूसा को अल किताब दी, हमने मूसा को अल किताब दी, हमने ईसा को अल किताब दी। मोहम्मद को कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। किताब और कुरान और वही और मौजजा और यह आयात बयीनात के मामले में मोहम्मद, लफ्ज मोहम्मद का दामन पूरी तरह से खाली है जी। पूरी तरह से खाली है। अच्छा, यहाँ पे मतलब मैं ये सवाल करना थोड़ा सा, आपने इस्लाम कबूल करने से पहले क्या आपने, आपको किसी ने कहा कि भाई ये देखें कि ये वन वे ट्रैफिक है, आप इस्लाम में एंटर तो हो सकते हैं, निकल नहीं सकते? आपको पता है ये बात? पता है नहीं, उनका तो मतलब ये था, मेरे जो जिन दोस्तों से मेरी गुफ्तगू होती थी कि वो ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि जो मतलब छोड़ने के बाद उल्टा सीधा बोलते हैं बिला वजह, जैसे होता है। आप तो इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, आपने कुछ तहकीक की है नहीं खुद से? मतलब जैसे मतलब बुरा भला कहना, अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं जो, सुन लीजिए हमारे जुल्फकार साहब, देखिए कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो है कुरान के मुताबिक, कुरान में लफ्ज मोहम्मद को ना कोई मुअजजा दिया गया, ना वही दी गई, ना अल किताब दी गई, ना अल कुरान दिया गया, ना आयत बयीनात दिए गए, तो ये तो क्या ये उल्टा सीधा है? मतलब जैसे आप कह रहे हैं, अगर मैं कहूं कि है कुरान ने यहूदियों पर ये झूठा इल्जाम लगाया है, क्योंकि कोई भी यहूदी ये नहीं कहता कि वो उज़ैर को अब अल्लाह का बेटा कह रहा है, क्या ये उल्टा सीधा है? अगर मैं ये दुनिया को ये बताऊं कि कुरान चैप्टर नंबर 33 और जो है वर्स नंबर 50 के मुताबिक कुरान का नबी औरतों की झुरमुट में होता है, उसमें ये बात कही गई है कि या अय्युहन नबी इन्ना अहलना लक अज़वाजक अल्लाती आतैत उजूरहुन, आप जरा वो आयत निकालिए अब्दुल हमीद साहब, 33 की 50 निकालिए। जी सर, एक सेकंड, मैं जुल्फकार साहब के सामने ये रियलिटीज रख रहा हूँ। आप अगर जो है ये सारी रियलिटीज के जान लेने के बावजूद भी अगर आप इस बात पर जिद करते हैं कि आप इस्लाम ही पर रहेंगे, तो ये आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। हम किसी का किसी तरह से कोई हाथ पकड़ कर ना इधर हटाना चाहते हैं ना उधर हटाना चाहते हैं, हम सिर्फ आपको दावत फिक्र दे रहे हैं। अगर ये मैं कहूँ कि अगर मैं मतलब हिंदू था जब, तो मैं अगर मंदिर में जाके अपने भगवानों को गाली दूंगा तो मुझे कौन बर्दाश्त करेगा? मतलब एक लॉजिकल है ना, मतलब अगर मैं मुसलमानों के जो है, अरे मेरे भाई, मैंने कभी किसी मुसलमान को जो है किसी मुसलमान के खुदा को गाली दी है? अब अगर मैं ये आयत कुरान के, ये देखिए सुन लीजिए जी जी भाई, हमने तो कभी गाली नहीं दी, कभी भी गाली नहीं दी। हम सिर्फ वो रियलिटी बता रहे हैं जो मैं, स्पेशली पूरी दुनिया में मैं एक अकेला ऐसा एक्स मुस्लिम हूँ जो डायरेक्टली कुरान के टेक्स्ट पर बात करता है, डायरेक्टली। मैं इवन हदीस का भी सहारा नहीं लेता, मैं कुरान के, मैं किसी ट्रांसलेशन का भी सहारा नहीं लेता, मैं किसी तफसीर का भी सहारा नहीं लेता, मैं डायरेक्टली कुरान की, क्यों, मैंने जिंदगी भर कुरान के टेक्स्ट पर गौर किया है, जो कुछ मैंने पाया है मैं दुनिया के सामने पेश करता हूँ। देख लीजिए, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 है, मैं इसका टेक्स्ट पढ़ता हूँ, आपको अगर समझ आ रही तो मैं आपको समझाऊंगा। हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी, तुम्हारे लिए परमिसेबल बना दी वो तमाम बीवियों को जिनकी उजरत, आप जानते हैं उजरत किसे कहते हैं? आपको पता है?
जी मेरे ख्याल में मेहनत या वही मजदूरी का जैसे उजरत देना होता है, मेहनताना या मजदूरी कह लें, उजरत का मतलब है मेहनताना या मजदूरी। जिनकी मजदूरी तुमने दे डाली, जिनकी उजरत तुमने दे डाली, वो तमाम बीवियां तुम्हारे लिए हलाल हैं। और वो तमाम ये अब ये हमारे डॉक्टर असरार अहमद साहब और जो है मौलाना मौदूदी साहब या ऐसे जो है बड़े बड़े उलमा यहाँ पर लौंडी कहते हैं। अब मैं तो नहीं कहता क्योंकि मैं खातून को ये लौंडी कहना मैं गवारा नहीं करता, क्योंकि खातून मेरे नज़दीक बहुत ही इज्जतदार है, बहुत इज्जतदार है। मैं कहूँगा कि वो तमाम ख्वातीन जो जंग में लूटी गई और जिन्हें अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जाहिर बात है इसको लौंडी कहा जाता है, जो कि किसी खानदान की, किसी जो है घराने की, किसी खानवादों की जो है एक मुअज्जज़ ख्वातीन हैं, उनको जब मुसलमान किसी पर जो है हमला करके वहां से जिस तरह से और दूसरे मालो असबाब की शक्ल में लूट के लाएंगे, उन्हीं में ख्वातीन भी रहेंगी, उनको लौंडियां बनाया जाएगा कि तमाम लौंडियां तुम्हारे लिए हलाल की हैं। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही, इसके आगे कुरान कह रहा है वह बनाती अम्मिक और तुम्हारी चचेरी बहने, बनाती अम्मिक चचेरी बहने, बनाती अम्मातिक फुफेरी बहने, वो बनाती खालिक मुमेरी बहने, वो बनाती खौलातिक मुसेरी यानी खलेरी बहने, वो खलेरी बहने जो तुम्हारे साथ हिजरत करके आई। वो मुरातम मुमिनतन इम वहबत नफ्सहा, और वो मोमिन औरत जो अपने आप को गिफ्ट कर दे, अपने जिस्म को नबी को दे डाले, ये लो भाई मेरा जिस्म तुम्हारे हवाले है, और नबी भी अगर उसके साथ ये जिमा करना चाहे, सेक्स करना चाहे, और ये कंसेशन ओनली फॉर प्रॉफिट है, दूसरे मोमिनों के लिए नहीं है, ये कुरान कह रहा है, कुरान का टेक्स्ट कह रहा है। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर भी मेरी इन बातों का इनकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये ओपन चैलेंज है। कोई भी दुनिया का बड़े बड़ा आदमी आकर जो है मेरे बड़े से बड़ा स्कॉलर आकर मैंने जो कहा इसका इनकार करके दिखा है। मैं कोई हदीस कोट नहीं कर रहा हूं, जिसको कोई मुसलमान कहे कि नहीं लिखा हुआ है, सही है, कमजोर है, मैं तो टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, कुरान का टेक्स्ट मैं बयान कर रहा हूँ जी। और इसमें मैंने कोई एक लफ्ज ना तो निकाला है ना डाला है, जो कुछ कुरान का लफ्ज कुरान का मतन है मैं उसी को पेश कर रहा हूँ। किसी में अगर इल्मी जुर्रत है, इल्मी हौसला है, तो मेरे सामने आए और मेरी इन बातों का इंकार करके दिखाए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पूछ सकता हूँ सच वाला जी? एक सेकंड सच वाला जी, ये सैयद अबू लाला मौदूदी का उर्दू भी पढ़ दीजिए, उन्होंने क्या किया है तो। अच्छा देखिए, मैं ये अभी मैंने क्या किया था, वो उसका तर्जुमा मैंने किया था, अब वो तर्जुमा मैं पढ़ूंगा जो मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी की तफहीम अल कुरान में है। आप जानते हैं मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी साहब का नाम जानते जी हैं? जी मैंने अभी जो जी जी बिल्कुल, वो इस्लाम 360 एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किए, वक्त मिलता है तो। देखें ये बहुत बड़ा नाम है, मैं उनका तर्जुमा एज इट इज पढ़ता हूँ, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करता। अब देखिए मैं एक एक लफ्ज वही कह रहा हूँ। ए नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके महर, यहाँ पर ये जानबूझ कर ये उजरत के लफ्ज को महर में बदल डालते हैं, यहाँ की इनकी जो है इल्मी खयानत है, इनको मालूम है कि जो है ये वहां पर असल मतन में, असल कुरान में उजरत का लफ्ज आया है, ये जानबूझ कर, इनको मालूम है कि अगर उजरत कहें तो लोगों का जहन कहीं और चला जाएगा, तो जानबूझ कर ये बदल डालते हैं इसका, ये लफ्ज का मतलब बदल डालते हैं। उजरत उर्दू में भी है ना सच वाला जी? जी हाँ, उजरत का लफ्ज तो उर्दू में इस्तेमाल होता है ना। आप पाकिस्तान से हैं, आप उर्दू जानते होंगे, आपको ये पता है कि उजरत क्या होती है, आपको मालूम है ना। इसलिए मैं आपको बताने के लिए और दुनिया को बताने के लिए मैं एज इट इज पेश कर रहा हूँ। ये मौदूदी साहब यहाँ पर डंडी मारते हुए ये उजरत को महर में बदल डालते हैं, हालांकि कुरान के टेक्स्ट में महर नहीं है, कुरान के टेक्स्ट में उजरत है, और उजरत का मतलब है मजदूरी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। वो बीवियां जिनकी उजरत तुमने अदा कर दिए, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियां, ये अल्फाज किसके हैं? मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी के। और आपको पता है कि लौंडी कौन होती है? अरे जाहिर बात है भाई, अगर एक मुसलमान मुल्क किसी काफिर मुल्क पर हमला करे और काफिर मुल्क हार जाए,
मुसलमान मुल्क की चढ़ाई हो जाए और काफिर मुल्क हार जाए, तो काफिर मुल्क के खेत खलियान वहां का सारा साधु सामान वहां की जो है हर तरह की उसमें जितने मतलब वो उससे जुड़े हुए जितने इंसान हैं उनकी अगर मर्द होंगे तो उनको खसी करके उनको गुलाम बना लिया जाएगा, और उनकी औरतें हैं तो उनको लौंडिया बना लिया जाएगा और सेक्स के लिए स्लेव की तरह उनके यहाँ ममलूका कहलाएंगी। मनकुहा नहीं, किसी लौंडी के साथ कोई मुसलमान निकाह नहीं करता, इसीलिए उसका उसको ममलूका कहा जाता है, उसको मनकुहा नहीं कहा जाता। वो इज्जतदार खवातीन जो किसी घराने की जो है माँ भी है और बेटी भी है और बहन भी है और बीवी भी है, किसी और घराने की वो माँ और बेटी और बहन बीवी, ये मुसलमानों के लिए लौंडी कहलाती है और उसको सेक्स स्लेव बनाया जाता है। तो वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, मिल्कियत में कैसे आई, लूट मार में ना, और वो और तुम्हारी वो चचाजात बहने और फूफीजात बहने और मामूजात बहने और खालाजात बहने, ये अल्फाज मौलाना मौदूदी के हैं, लफ्ज बहन लिखा उन्होंने, बिल्कुल बहने लिखा है, खालाजात बहने, मामूजात बहने, फूफीजात बहने, चचाजात बहने, ये अल्फाज मौलाना मौदूदी के हैं, सैयद अबुल आला अल मौदूदी। समझ आई आपको? क्या आपने कभी इस्लाम का इस अंदाज में जो है मुताला किया? आप मुताला किए बगैर अपना दिलो जान आकर इस आइडियोलॉजी को किस बुनियाद पर दे सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि जो है मैंने इस्लाम को पढ़ा? क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा जरा बताएं, क्या जानते हैं आप इस्लाम के बारे में, आपको क्या पता है बताइए, मुझे भी कन्विंस करिए ना। अगर मैं आपकी बातों से कन्विंस हो जाऊं तो मैं अभी इस वक्त शहादत देकर इस्लाम कबूल करके ईमान लाने के लिए तैयार हूं। वो तमाम जो है जो मुस्लिम जो कन्वर्टेड हैं, जो कहते हैं बड़े चाव से, बड़े जो है फकर से कि हम जो है पहले हिंदू थे और अब मुसलमान हो गए, अरे भाई इस प्लेटफॉर्म पर आओ और मुझे दावत इस्लाम दो, मैं आपके हाथ पर मुशर्रफ इस्लाम होने के लिए बेचैन हूं। मुझे कन्विंस करो, मुझे बताओ कि इस्लाम की क्या क्वालिटी है, इस्लाम की क्या सच्चाई है, पैगंबर इस्लाम आकर किस बुनियाद पर किस लिहाज से सच्चे हैं, जो कुरान आकर वाकई कैसे किस लिहाज से जो है किसी जो है आसमानी बाबे का कलाम है, मुझे बताओ मुझे, वरना झूठ में ना खुद फंसो ना किसी और को जो है इस तरह के धोखा दो। कहां चले गए साहब? वो खुद से ड्रॉप हो गए वो जी, अब वो कुरान की आया देखी उन्होंने, शायद वो कंफर्म करेंगे कि ये कौन सी आयत बता रहे हैं, ये कहीं ये यहूदी साजिश तो नहीं। अरे भाई मैंने भी बहुत सी आयतें लिखी हैं, वो कम से कम ऐसी आयतों से तो बेहतर है ना अब्दुल हमीद साहब, बहुत अच्छी। क्या मेरी लिखी हुई आयतें इससे बेहतर नहीं है? बहुत अच्छी बताइए। मैंने तो अपनी यूट्यूब पे पहला ही कलमा रखा है सूरतुल यूट्यूब। अरे उसमें कम से कम इंसानियत का एक पैगाम है, उसमें जो है एक भाईचारा है, उसमें आपस में मिलजुलने की बात है, उसमें अमन का दर्श है।